नमस्कार मित्रों, न्यूज लाइव चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है वार्षिक वर्षफल में। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्षफल की। आपकी राशि के अनुसार यह वर्ष आपको कैसा जाने वाला है। कन्या राशि, कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा इस वर्ष आ रहा है, कि धन भाव में ही चंद्रमा का एक संकेत मिल रहा है और पराक्रम स्थान पर बुध हैं। शुक्र, बुध, गुरु, चंद्र, चार ग्रहों का एक अच्छा संयोग जो आर्थिक पक्ष को मजबूत दर्शाता है। तो यह वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा होने वाला है। मुझे लग रहा है कि प्रमोशन की स्थिति भी इसमें मार्च के बाद आपकी बन जाएगी और बहुत सारी चिंताएं इस वर्ष कम होंगी। तो जब चिंता कम हो तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा वर्ष है। आर्थिक स्थिति को हम देखते हैं तो शुक्र विशेष रूप से चंद्र के साथ विराजमान है, तो आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छे रहेंगे। कुछ ना कुछ अच्छी ऊंचाइयों को छूने की स्थिति भी इसमें बनती है और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में आपको लाभ भी मिलेगा, आपका नाम भी होगा। विद्या अध्ययन को यदि हम देखते हैं तो विशेष रूप से विद्यार्थियों को इस वर्ष थोड़ा सा सजग रहकर पढ़ाई करनी होगी। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतने थोड़े से उससे कम रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे, इसलिए मेहनत आपको बढ़ानी होगी ताकि रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे प्राप्त कर सकें। और अच्छे रिजल्ट्स के लिए माता सरस्वती की आराधना करना आवश्यक है, उन्हीं की कृपा से यह वर्ष आपका फलित होने वाला है। तो माता सरस्वती की आराधना विद्यार्थियों को इस वर्ष करनी होगी। पारिवारिक जीवन को यदि हम देखते हैं तो इसमें पारिवारिक जीवन अच्छा आता है, विवाह के भी इसमें योग बनते हैं और कहीं कुछ परिवार में विवाद चल रहा होगा तो संतोषी माता जी की कृपा से वह आपका वैवाहिक जीवन सही होगा। तो माता संतोषी के आप व्रत प्रारंभ कर दें और उनसे आपको लाभ भी मिलेगा। और धन की कहीं कमी हो तो आप शुक्रवार के सामान्य व्रत कर सकते हैं, विवाह लक्ष्मी के व्रत कर सकते हैं, तो आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा। और भाग्य यदि हम देखते हैं तो इस वर्ष भाग्य आपका जागृत हो रहा है और विशेष रूप से शनि की भी कृपा है और भाग्य के स्वामी शुक्र की भी विशेष कृपा है, तो यह वर्ष आपके लिए उत्तम वर्ष साबित होगा। कन्या राशि व्यक्तियों को इस वर्ष अच्छी सफलताओं के लिए माता रानी की, देवी जी की आराधना करनी चाहिए जो उत्तम सफलता की द्योतक हैं, और इस वर्ष उन्हीं के माध्यम से अच्छे लाभ मिलेंगे, अच्छी आपकी यात्रा होगी।